जमुई में एंटीजन किट से कोविड जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मुख्य रूप से जमुई सदर अस्पताल बरहट पीएचसी और सिकंदरा पीएचसी में मरीजों के जांच के डेटा एंट्री में एक ही मोबाइल नंबर की एंट्री की गई है। जमुई जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने 3 अधिकारियों की टीम बनाकर इस मामले की जांच करवाई और इस फर्जीवाड़े में संलिप्त कोविड जांच टीम के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन और डॉक्टरों की टीम की पहचान की। जांच रिपोर्ट आने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रधान सचिव को रिपोर्ट सौंपते हुए कार्यवाही की अनुशंसा की। इसके बाद जमुई सिविल सर्जन सिकंदरा और बरहट पीएचसी प्रभारी के साथ एक अन्य डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। साथ ही डीपीएम सिकंदरा और भरत के स्वास्थ्य प्रबंधक, लैब टेक्नीशियन, एएनएम सहित 5 को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम ने जनवरी महीने में कोविड जांच की रिपोर्ट की जांच की है, जिसमें टोटल 588 व्यक्तियों की जांच की एंट्री है और उस एंट्री में अधिकांश में एक ही मोबाइल नंबर दर्शाया गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यदि इसकी जांच निष्पक्षता के साथ की गई तो और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। COVID-19 के जो लोगों की सूची पोर्टल पर अपलोड की गई थी, जिनके विषय में दिखाया गया था कि उनका टेस्टिंग का कार्य हुआ है, तो सूची में विभिन्न एंट्रियों की असत्यता के संबंध में शिकायत मिलने पर उसकी जिला के वरीय पदाधिकारियों द्वारा जांच कराई गई और जांच के क्रम में तमाम तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। उसके आलोक में कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन और जो सिकंदरा और बरहट के पीएससी प्रभारी और डीआईओ, इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। बाकी भी जो कर्मी एवं पदाधिकारी दोषी हैं, उनके विरुद्ध हम लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ की बर्खास्तगी की बात आ रही है सामने, जो संविदा कर्मी हैं उनको बर्खास्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी भी जाँच जारी है? जाँच लगभग लगभग आ चुकी है और अब जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।